छात्र इलाके की बात करें तो जहां पर तमाम घरों की बात करें जिन घरों में दरारें हैं, और उसके बाद जो है वीडियो भी सामने आई जहां पर तमाम घर जो हैं कोलैप्स होते हुए भी नजर आए। सबसे पहले आपको साफ तौर पर देखेंगे, अभी तक अगर बात करें तो 21 स्ट्रक्चर्स और 19 और तमाम बाकी घरों में क्रैक्स जो है वो साफ तौर पर देखने को मिले हैं। और नई बस्ती मोहल्ला की बात करें डाउन टाउन डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो लगातार सिंक होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आई हैं जहां पर एक और मकान हुआ है, और बताया जा रहा है कि अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर एक मदरासा समेत एक मस्जिद है वो भी इससे भी अनसेफ जो है वो डिक्लेयर किया है। और अभी तक अगर बताया जा रहा है कि पुलिस ने लगभग 300 लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया है, और 19 फैमिलीज बताई जा रही है जिसमें बच्चे भी हैं और 80 गर्ल्स हैं मदरासा की भी हैं, तो ये तमाम बताए गए हैं। और मस्जिद की बात करें तो 19 हाउसेस और मस्जिद और मदरासा की बात करें तो वहां पर क्रैक्स जो है फिलहाल बताए जा रहे हैं। सिचुएशन कॉन्स्टेंटली मॉनिटर की जा रही है, और क्रैक्स देखने को मिले। पर फिलहाल आपको बता दूं कि इसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का क्या कहना है वो भी आपको साफ तौर पर सुना देते हैं। पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अब बताया जा रहा है तमाम घर और 3 घर अभी तक कोलैप्स कर चुके हैं। 19 फैमिलीज को वहां से इवैक्यूएट किया गया है, पर हालांकि लगातार प्रशासन इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए नजर आ रही है। पर अब बताया जा रहा है कि मदरासा और मस्जिद में भी क्रैक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिले हैं। इसी पर अगर बात करें जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से पैनी नज़र प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाए। जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है कि अब इतना ज्ञान मुझे नहीं है कि हर चीज़ पर मैं विद्वतापूर्ण बात कहूँ, ऐसे विद्वान लोग प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेट देम एनालाइज एंड लेट देम से व्हाट इज द फैक्ट। सर आप लगातार जो है सार्थक कदम उठाए, तो आपने साफ तौर पर सुना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का क्या कुछ कहना। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हालांकि जोशीमठ जैसे हालात नहीं है, प्रशासन इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और जो एक्सपर्टीज की टीम वहां पर पहुंची है वो एनालाइज करेगी और पूरी जानकारी देगी। पर फिलहाल मनोज सिन्हा ने यह साफ तौर पर कहा कि जोशीमठ जैसे हालात नहीं है, पर प्रशासन इस पर पूरी तहकीकात कर रही है और जो भी तमाम जो ऑफिशियल्स हैं जो ऐसे एनालाइज कर रहे हैं, एक्सपर्टीज की बात करें तो जब वो कुछ बात तक पहुंचेंगे तो वो बात भी जो है जानकारी दी जाएगी। पर फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है एक मस्जिद और मदरसे की भी बात करें तो वहां पर भी क्रैक्स जो है देखने को मिले। 3 मकान अभी तक कोलैप्स कर चुके हैं, 21 हाउसेस जो हैं वहां से लोगों को एवैक्यूएट जो है कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। आप बने रहें चेक इन न्यूज पॉइंट के साथ। नमस्कार।